नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल जी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण विभाग है। शालीनता, स्वमता और सहजता भी इनकी एक पहचान है। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीति करियर के बारे में। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का जन्म 15 जनवरी 1953 को बरेली में हुआ था। मौजूदा समय में वो योगी सरकार में सिंचाई विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से LLB, BEd और MA की डिग्री हासिल करने वाले धर्मपाल सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत BJP से की। आंवला विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके धर्मपाल सिंह की गिनती BJP के कद्दावर नेताओं में शुमार होती है। 1996 और 2002 विधानसभा चुनाव के बाद 2012 और 2017 के चुनावों में भी धर्मपाल सिंह ने जीत हासिल कर पार्टी का झंडा बुलंद किया। उनकी वरिष्ठता, लंबे सियासी अनुभव और पार्टी के प्रति समर्पण की वजह से 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी BJP सरकार में उन्हें सिंचाई मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। किसान परिवार की पृष्ठभूमि वाले धर्मपाल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी वंदना सिंह के अलावा 3 बेटे हैं। सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री के रूप में धर्मपाल सिंह का अब तक का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। अभी आपने देखा धर्मपाल जी का संघर्ष से भरा हुआ एक पूरा राजनीतिक जीवन। धर्मपाल जी हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवस्थी जी बहुत धन्यवाद। रमेश जी आपको बहुत बहुत स्वागत। धर्मपाल जी हमने देखा है आपका कैरियर, सुना भी है, काफी संघर्ष से आपने शुरुआत किया, किसान परिवार से किया, बड़ी राजनीतिक लंबी पारी है, संघर्ष से भरी हुई। कहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचने लिए क्या क्या करना पड़ा? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और अपने सामाजिक जीवन में मैं संघ से ही प्रारंभ से जुड़ा, बचपन से ही, और संघ की शाखा से ही संघर्ष सीखा, संघ की शाखा से ही मैंने संयम सीखा और संघ की शाखा से ही मैंने अनुशासन ठीक सीखा और संघ के माध्यम से ही मैं यहाँ तक आया और आज उसी प्रेरणा को लेकर मैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ के रहने वाले थे आप? जनपद बरेली में मेरा गांव गुलड़िया गौरीशंकर है। मैं किसान पृष्ठभूमि का हूँ और राजनीति मुझे कोई विरासत में नहीं मिली, राजनीति मुझे संघर्ष से मिली और मैं पहले ब्लॉक प्रमुख रहा और इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा। मंडल जिस ब्लॉक का मैं मंडल अध्यक्ष रहा, जिस मंडल का मैं उसी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हुआ और संघर्ष करते करते मंडी समिति का सभापति हुआ और मंडी समिति के सभापति के बाद मैं पार्टी के संगठन का जिले स्तर तक काम करता रहा। पार्टी ने मुझे 1996 में टिकट दिया और तब से मैं जीतता चला आ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति कर रहा हूँ। बहुत समय ऐसे आए रमेश जी, परिवर्तन के समय आए और परिवर्तन के ही समय परावर्तन के ही समय आए। विपक्षियों ने हम पर बहुत हमला भी किया, पूरे परिवार के साथ जेल जाना भी पड़ा। हद तो यहाँ तक हो गई, राजनीति हम करते हैं, हमारे साथ हमारी माँ को भी जेल जाना पड़ा, परिवार के किसी व्यक्ति को भी राजनीतिक दुश्मनी से बख्शा नहीं गया, लेकिन हम घबराए नहीं, निरंतर चलते रहे। चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत को लागू किया और समाज को साथ लेकर, परिवार को साथ लेकर और पूरे सामाजिक परिवेश को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं। परिवार को कितना समय दे पाते हैं? परिवार को तो बिल्कुल, परिवार के तो सभी लोग नाराज रहते हैं कि भाई परिवार को तो हम समय नहीं दे पाते। परिवार में सच में ना अपनी खेती किसानी देख पा रहे हैं, हम किसान पृष्ठभूमि के, किसान हमारी आत्मा है और हमारा तो सीधा मानना है किसान इस देश की पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ। राजनीति में पढ़े लिखे भी लोग हैं और जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की वो भी राजनीति में करे हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि है, तो क्या आपको बचपन में लगा कहीं नौकरी करें, राजनीति में ना आए? परिवार वाले तो हमारे ये चाहते थे कि हम वकालत करें, हमारे पिताजी की इच्छा थी, हम पे HD मोटरसाइकिल थी, HD मोटरसाइकिल हम चलते थे। हमारे पिताजी ने कहा बरेली में रहो, हम तुम्हें जीप खरीद के दे देंगे, हम किसान हैं, कुछ भी करें लेकिन तुम्हें जीप दे देंगे, गांव छोड़ो। और वो चाहते थे कि हम वकालत करें, हमने वकालत प्रारंभ भी की। आज है नहीं इस पृथ्वी पर, स्वर्गवासी हो गए आदरणीय बीरेंद्र वर्मा जी, उनके पास कुछ दिन मैं बैठा
उन्होंने कहा कि अच्छे घर से दाल रोटी कर खाते हो, परिवार भी तुम्हारा ठीक है, किसान पृष्ठभूमि से आते हो, समाज का कुछ काम करो, समाज की सेवा करो, वकालत भी कर लोगे। हमने कहा भाई साहब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोलो। हमने उन दिनों एक स्कूल खोला बड़े परिश्रम से, और उस स्कूल के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ किया। आज वो स्कूल स्नातकोत्तर और बहुत बड़ी स्थिति में, और इंटर कॉलेज भी है। तो हमें शिक्षा में के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम किया। उन दिनों शिक्षा नहीं थी। राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? राजनीति की प्रेरणा तो बहुत गूढ़ सवाल आपने कर दिया जी। सच में हमारे यहाँ जिला प्रचारक आदरणीय रामलाल जी थे। मैं उस समय तहसील कार्यवाह था। रामलाल जी बहुत अच्छे प्रचारक थे। उन्होंने कहा धर्मपाल सिंह तुम्हारी पृष्ठभूमि और ये सब देख के लगता है कि तुम्हें राजनीति में जाना चाहिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। ब्लॉक प्रमुख से आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं राजनीति में बीजेपी की, मैंने सक्रिय बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष, महामंत्री, यानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़कर संगठन के सभी पदों पर रह के मैंने काम किया। और पिछली सरकारों में भी मुझे अच्छे विभाग मिले। मैंने कई माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। सबसे पहले मायावती जी के साथ काम किया, इसके बाद माननीय कल्याण सिंह जी के साथ काम किया, इसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी आए, फिर राम प्रकाश गुप्ता जी आए, और फिर दोबारा सरकार बनी, फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तब मैं फिर मंत्री बना, और तब से 14 साल विपक्ष की राजनीति करते हुए आज सरकार में हम बैठे हैं। और बहुत ऐसे समय आए कि पार्टी छोड़ो, बिरादरी के साथ जाओ, लोगों ने बड़े प्रयास किए, लेकिन मैं, क्योंकि राजनीति हमारा धंधा नहीं है, राजनीति हमारे लिए ध्येय है, लक्ष्य है, राजनीति मर्यादा है। रामलाल जी की बात अभी आप कर रहे थे। रामलाल जी ने आप जैसे तमाम राजनीतिज्ञों को राजनीति में आए जिनकी राजनीति में वास्तव में ज़रूरत थी, तो क्या मानेंगे रामलाल जी आपके आदर्श हैं? हाँ, रामलाल जी हमारे आदर्श, रामलाल जी आदर्श। अभी आपने बात की कि कई मौके ऐसे आए जिसमें जातीयता के आधार पर राजनीति छोड़ने की बात हुई, तो क्या कभी ऐसा मौका आया जब कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ी, उसमें आप पे कोई दबाव या व्यवहारिक प्रेशर रहा हो कि आप अब कल्याण सिंह के साथ आइए? पर्याप्त, बहुत पर्याप्त जी, बहुत बहुत दबाव हुआ। बिरादरी के लोगों ने भी कहा, और मैं आभारी हूँ माननीय कल्याण सिंह जी का। कल्याण सिंह जी ने मुझे कहा कि धर्मपाल सिंह आपकी मुझे ज़रूरत है, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि माननीय आपने मुझे एक दिन कहा था बिठा के, माननीय कल्याण सिंह जी ने मुझे बिठा कर कहा था जब मैं मंत्री बना कि धर्मपाल सिंह कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना, पार्टी को धोखा मत देना, तो मैं तो आपके ही सिद्धांत को मानना चाहता हूँ। तो फिर वो चुप हो गए और मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी में कई ऐसे मौके भी आए जब आपको प्रदेश की जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हुई, तमाम एक बार तो ऐसा लगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, लोगों ने मिठाइयां भी बांट दी, आतिशबाजी भी चल गई, तो उसमें क्या जब आपका नहीं हुआ अध्यक्ष पद पे, तो उसमें आपने कैसे महसूस किया? हाँ, उस समय परिवार के लोगों, निजी लोगों ने कहा कि आपकी राजनीतिक हत्या होगी, आपका इससे ज़्यादा अपमान कभी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा पार्टी हमारी माँ है, माँ कभी अपमान नहीं करती, माँ कभी सम्मान ही करती है, माँ आशीर्वाद ही देती है, और पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है। धर्मपाल जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल जी, जिन्होंने राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, और आज वो सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। धर्मपाल जी, अगर आपके विभाग की बात की जाए तो अब मौसम आ गया है, मानसून आने वाला है, और जब मानसून आता है तो लगभग प्रदेश के लगभग 3 दर्जन जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं, उसमें बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। इस बार सरकार ने क्या तैयारी की कि उनसे निपटा जाए? 14 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 39 जिलों के जिलाधिकारी, SSP, NDRF, HDRF सारे अधिकारियों को बुलाया गया, मिलिट्री के लोग भी बुलाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त स्पष्ट निर्देश दिए कि इस बार
बाढ़ से न जनहानि होने दी जाएगी न धनहानि होने दी जाएगी। इसके लिए अभी से 15 जून तक सारी बाढ़ की पूर्व की सभी तैयारियां कर लें, और हमने 15 जून तक सारी तैयारियां कर ली हैं, कहीं रेन कट, होल कट और इस तरीके से सारे तटबंध जो अतिसंवेदनशील थे वो सब ठीक करा दिए, और इस बार कहीं भी फ्लड फाइटिंग के पूरे प्रबंध कर लिए गए और कोई कठिनाई नहीं रही। मतलब ऐसे कौन कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं जहाँ संभावना है, जहाँ की तैयारियाँ आप बता रहे हैं? जैसे अब गोरखपुरी है, पूरा दवा गोरखपुर में रहता है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, इस तरीके से पूर्वांचल के जिले, और इधर हमारा पीलीभीत है, बाराबंकी है, ये तमाम हरदोई है, इस तरीके के जो जिले रहते हैं, फरुखाबाद है पश्चिम में, तो बड़े प्रभावित जिले रहते हैं, दो दो तीन तीन नदियों के प्रभाव में रहते हैं। तो इस बार पहले ये निर्देशित कर दिया गया कि गोताखोर सब रहें, नावों का पूरा प्रबंध रहे, डीएम्स को पूरा बाढ़ चौकियां स्थापित अभी से कर लें, और सांप काटने की दवा का भी प्रबंध रहे, स्वास्थ्य के लिए जो संक्रामक रोग फैलते हैं तो उनका भी प्रबंध रहे, जानवरों के लिए कठिनाई आती, भूसा इत्यादि नहीं मिलता है तो उसका भी प्रबंध करा दिया गया, तटबंधों पर लाइटिंग की व्यवस्था हो, ये भी हमने इस बार प्रबंध किया है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके, क्योंकि विगत समय कुछ कठिनाइयाँ, कुछ सूचनाएँ मिली, कुछ लोगों ने हमारे बंदे जानबूझकर काट दिए सरकार को बदनाम करने के लिए, तो इस बार हम ने बहुत सावधानी बरती है, अतिसंवेदनशील तटबंधों पर एक एक किलोमीटर पर हम होमगार्ड की तैनाती कर रहे हैं। तटबंधों की अगर बात हो रही है, आपने कहा बंदे काट दिए जाते हैं, तो क्या है, माने कुछ अराजक तत्व हैं या फिर कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग बदनाम करने के लिए सब करते हैं? ये मुझे तो लगता है बदनाम करने के लिए सरकार पूरा प्रबंध नहीं कर पा रही है, तो बदनाम तटबंध काटने में कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, जरा काट दिया पूरा पानी बह जाता है, फिर गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, तो इसकी हमने सावधानी बरती है, इस पर हमने होमगार्ड भी तैनात करने की बात कर ली है, और इस बार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जिला प्रशासन अलर्ट है और कहीं कठिनाई नहीं आने। आपके पास एक जो विभाग है सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, तो सरकार ने और आपके विभाग ने अभी तक कौन कौन से ऐसे काम किए जो जनहित में माने जाएं? सच में मेरा सीधा मानना है, देश की अर्थव्यवस्था कृषि है, कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और देश की जीडीपी नापने का पैमाना कृषि ही होती है, इसलिए कृषि में सिंचाई का विशेष महत्व होता है, सिंचनेन समृद्धि भवति, सिंचाई से ही समृद्धि आती है, खाद पानी डीजल बिजली प्राप्त करना किसान का मौलिक अधिकार है, और यूपी में योगी सरकार किसानों को निःशुल्क फ्री पानी देने का पूरा प्रबंध कर लिया है, पिछली सरकारों में पानी फ्री तो था लेकिन आता ही नहीं था, इस बार अवस्थी जी आपको बताएं मैं, किसानों ने मिठाइयाँ बांटने का काम किया, कुछ किसानों के आंखों में आंसू आ गए, पानी देकर 14-14 साल 15-15 साल से नहरों में पानी ही नहीं आया था, पहली बार उन्होंने पानी देखा, और उन्नाव स्थिति में उन्नाव जैसे क्षेत्र में कब पानी पहले पहुंचा तो वहां लोगों ने मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई, और आज हमने ये सारे प्रबंध कर लिए हैं, क्योंकि सिंचाई में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमने की, सिंचाई में पानी पहले तो था कि टेल तक पानी पहुंचे, इस बार हमने सिंचाई में खेत तक पानी पहुंचाने का प्रबंध किया और एक बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया, क्योंकि कभी प्रजातांत्रिक ढंग से सिंचाई के बारे में नहीं सोचा जाता था, इस बार हमने सिंचाई के बारे में जनता का अधिकार जनता के लिए दे दिया, पानी जब जाता है तो हमने समितियों का गठन किया है, हमने 3 समितियां बनाई हैं, एक रजवा समिति जो नहरें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उसमें, दूसरी कुलावा समिति, तीसरी अल्पिका समिति, और इसके हम प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव करा रहे हैं, मतदाता सूची हमारी तैयार हो गई है और दिसंबर 2018 तक हम चुनाव करा देंगे, मतदाता इसमें वो होंगे जो नहरों से सिंचाई करने का काम करते हैं किसान, उनकी सूची बन गई है, और इस चुनाव कराने के बाद लाभ क्या होगा, इससे प्रजातांत्रिक ढंग से, जैसे अभी बड़ी शिकायतें आती थी कि साहब सिंचाई विभाग सब पैसा खा जाता है, खर्ची नहीं करता है और पानी ऐसे ही बहा देता है, पैसा पानी की तरह चला जाता है, टेलों की सफाई नहीं होती, नहरों की सफाई नहीं होती, अब हम इस समितियों के जो अध्यक्ष होंगे, कुलावे भी अनधिकृत लोग लगा लेते थे और पानी फ्री था तो इसलिए किसान चिंता नहीं करता था, उसको बहने देता था, ठंडा और गर्म पानी भी लगाता था, पानी गर्म हो गया तो ठंडा लगा दिया, यानी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसका पानी का अपव्यय होता था। आपके विभाग पे
यानी कि पिछले सरकार हो या कोई और सरकार, हमेशा सिंचाई विभाग एक भ्रष्टाचार का केंद्र माना जाता था, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते थे। तो अभी तक कितने ऐसे मामले आए जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं और आप सरकार ने कार्रवाई? अवस्थी जी, वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सिंचाई विभाग माने भ्रष्टाचार, जिससे कार्य सिंचाई तो ना, हम तो परेशान हो गए। हमने 36 अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों के स्तर के निलंबित किया और 101 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जवाब भी मांगे, और अब हमारा विभाग अच्छा काम कर रहा है। वही अधिकारी हैं, सारा समय से काम कर रहे हैं। हमने प्रोत्साहन करने का भी काम किया, जो अधिकारी अच्छा काम करेगा हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। जो प्रमोशन रुके हुए थे हमने DPC करा के उनके प्रमोशन करा दिए। फिर ऐसा क्या कारण है कि जो आपने ट्रांसफर पोस्टिंग किए, चाहे अवर बनता हो या दक्षिण बनता हो, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय से आपसे जवाब मांगा गया, ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी विभागों में अधिकार है और ऐसा कोई जवाब भी नहीं मांगा गया है। लोग पहले जैसी स्थिति में रहते, ट्रांसफर होगा तो जरूर पैसा जाएगा, जो कुछ दलाल भी लोग लगे रहते हैं। तो हमने इसको इस बार बहुत अवस्थी जी बहुत परफॉर्मेंस, हमने ट्रांसफर करते समय मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रांसफर किए और एक कमेटी बना दी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, तो हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट, दोनों ANC और मैकेनिक ANC सब बैठे। बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है कि जिले में 3 साल हो जाए तब हटाएंगे और मंडल में 7 साल हो जाएंगे तब हटाएंगे, शिकायत होगी तब किसी भी समय हटाया जा सकता है, ये आदेश है। 20% से ज़्यादा स्थानांतरण नहीं करेंगे, तो हमने तो 20% से बहुत कम किए। और दूसरा, जब सारे अधिकारियों को, चीफ को बुलाया, सामने बिठा लिए सारे अधिकारियों का कि अपना स्थान 3 स्थान लिख के दे दो और उसी 3 स्थान पर हम आपको नियुक्ति दे देंगे, लेकिन उस इच्छा अनुसार नियुक्ति प्राप्त करने के बाद यदि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड भी कर देंगे। तो तत्काल लोगों से, अधिकारियों से उनकी मांग ली, उनका प्रार्थना पत्र लिया और उसी आधार पर उसी दिन नियुक्तियाँ कर दी। तो जो लोगों जिनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हुए हैं वो शिकायतें करते रहते हैं, ऐसी शिकायत की कोई संभावना है नहीं। बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से स्थानांतरण किए गए हैं और कोई शिकायत इसमें है नहीं। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, हमारे साथ हैं धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, अभी बात हो रही थी नहरों की, बात हो रही थी नहरें विलुप्त होती जा रही हैं पूरे प्रदेश में, इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? अवस्थी जी, अच्छा प्रश्न है। नदियां वास्तव में विलुप्त होती जा रही हैं। देश की संपदा सोना चांदी रुपया पैसा नहीं है, देश की संपदा धरती है और धरती पर बहने वाली नदियां हैं, जो आपने चिंता की है वो आज विलुप्त नहीं, नदियां भी हैं और साथ में नहरें भी हैं, नहरें भी कम हो रही हैं। नहरें जो हमारी स्थिति हो गई है, नहरें जो हैं कम नहीं हो रही हैं, नहरों में कमी आ रही, नहरें कमजोरी आ रही है। अब नहरों को पिछली सरकारें ध्यान नहीं देती, पिछली सरकार निर्माण कार्य में ध्यान देती थी। नहरों को ठीक करने के लिए जो हमने अभी सवाल आपको उत्तर में बताया कि हमने समितियों का गठन कर दिया, अब हम SR और AR का पैसा हमने भेज दिया हुआ वहाँ पर। इस बार हमने सीधे सीधे नहरों पर, पहले नहरों की सफाई 2 बार होती थी, एक खरीफ के समय, एक समय रबी के समय, और इस बार हमने ये स्पष्ट दिया है कि AEJ दौरे करें, अपने साथ बेलदार लेके जाए नहरों में। वास्तव में आपने प्रश्न ठीक किया है, कई नहरों में अभी कुछ टहनियाँ, पेड़ पौधे जैसे खड़े, घास फूस ज़्यादा हो गई है, तो इस बार हमने नहरों को सफाई, सिल्ट सफाई भी कराई है और ये सफाई भी करा दी है। नहरों की मजबूती के लिए उनको मिट्टी से भी बराबर पुख्ता कराया है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो नहरों की सफाई में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, कई बार नहरें साफ हो जाती लेकिन नहर जस की तस। हाँ बस, ठीक बात है। इसी के लिए हमने ड्रोन कैमरे से, इस पहली बार ड्रोन कैमरा चलवाया है नहरों के ऊपर, कि पहले नहर सफाई से पहले, पूर्व नहर का चित्र ये था और सफाई के बाद चित्र ये है, तो DM ने जब अप्रूव कर दिया है तब हमने भुगतान दिया है। तो इस बार नहरों की सफाई भी हुई है और टेल तक नहीं, किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया है। अच्छी पहल है। साथ में नदियों की भी बात हो रही है, नदियां भी विलुप्त हो रही हैं, उनके लिए कोई खास प्रयास? हाँ, नदियां जो विलुप्त हो रही हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ परामर्श करके हमने अभी 8 नदियाँ चिन्हित की जो विलुप्त हो रही हैं। ये वो नदियाँ हैं
जो मैदान से ही निकली है, कोई पहाड़ से नहीं निकली है। जैसे गोमती नदी पीलीभीत से निकली है, और इसके बाद तमसा नदी ये अयोध्या की है, आमी नदी ये गोरखपुर की है, और मनोरमा नदी ये बस्ती की है, ये जो अपनी वाराणसी में वरुणा नदी, और ये प्रतापगढ़ की सई नदी, बरेली की अरिल नदी और बदायूं की सोत नदी, इन नदियों को हमने चिन्हित कर लिया है और इन पर दो नदियों पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है। और हम आपको आज बता रहे हैं कि हमारी मंशा है कि लखनऊ के लोग गोमती का जल हम ऐसा दे देंगे कि वो हाथेली पर जल रखकर आचमन करने लायक जल होगा, क्योंकि अब ये हमने एलडी को दे दिया और अब ये एलडी इसका काम करेगा, बाकी नहर के नदी के अंदर का काम हम करेंगे, सिंचाई विभाग कर रहा है, सफाई हो करके वो ड्रेन जो रहेगी ये 9 किलोमीटर बनने को वो बन करके, फिर जो करीब 28 नाले गिरते हैं गोमती नदी में लखनऊ के, और वो नाले फिर सब ड्रेन में चले जाएंगे, गोमती का पानी बहता हुआ चला जाएगा और गोमती का पानी शुद्ध हो जाएगा। मंत्री जी, एक स्कीम थी सरकार की कि नदियों को जोड़ने की बात हो रही थी, केन और बेतवा को भी जोड़ने की बात हो रही थी, इसमें अभी तक क्या प्रगति? हमारा विभाग अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। अंतर्राज्यीय हमारा तो हिस्से का पानी जो आपने जोड़ने की बात करी है, अच्छा पानी हमारे हिस्से का पानी तो दिल्ली भी ले ली, दिल्ली को पानी हम दे रहे हैं, गंगा का पानी यमुना में तो पानी है नहीं, गंगा का पानी हम पीने को दे रहे हैं, हरियाणा को पानी, हरियाणा में यमुना का पानी आता है, हरियाणा हमारा पानी ले लेता है, राजस्थान हमारा पानी ले लेता है। तो अभी जो अंतर्राज्यीय स्तर पर समझौता चल रहा था केन बेतवा का, जब माननीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे तब ये समझौता हुआ था, तब से ये चल रहा था, तो माननीय नितिन गडकरी जी की पहल के द्वारा बहुत अच्छी पहल हुई है। इसमें एमओयू साइन होने को रह गया है, 22% पानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा, केन नदी के माध्यम से बेतवा में आएगा और इससे बुंदेलखंड को लाभ मिल जाएगा, बाकी पानी मध्य प्रदेश को जाएगा। बुंदेलखंड की आपने बात की, तो बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो पानी ही सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की और तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उनमें देखा जाए तो पानी प्रमुखता है, वहाँ पे और भी कोई प्रयास किया जा रहा है पानी की समस्या हल करने? हाँ, देखिए सवाल इसी से जुड़ा है, 4 राष्ट्रीय परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में, पिछली सरकारों ने केंद्र का धन तो खर्च कर लिया लेकिन अपने प्रदेश का हिस्सा दिया नहीं। इसमें मैं चारों परियोजनाओं को आपको जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि आप जागरूक हैं, और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग को आपने जनता को दिखाने के लिए चुना है, तो मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी के बिना कुछ रह नहीं जाता है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इस पर जो आज आपने फोकस करने का काम किया है बहुत अच्छा है। 4 राष्ट्रीय परियोजना थी, मध्य गंगा नहर परियोजना पिछली सरकारों ने बंद कर दी, माननीय योगी जी ने पहल करके इसको रुपया दिलवाया, मध्य गंगा नहर परियोजना पश्चिम में मुरादाबाद बिजनौर और आज पीछे तक ये चली आएगी, इसको लाभ मिलेगा, और सरयू नहर परियोजना, सरयू नहर परियोजना ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, ये पूर्वांचल के 9 जिलों को लाभदायक होगी। जो आप बाढ़ की आपने सबसे पहले जो बाढ़ का प्रश्न किया था, ये सरयू नहर परियोजना पूरी हो जाने से इसको हम पूरा कर चुके हैं, किसानों ने अपनी जमीन दे दी है, कुछ ज़मीनें रह गई हैं हम उनको भी पूरा कर लेंगे, तो बीच बीच में जो नहर खाली रह गई थी अब उसको पूरा करके, तो जो पानी बाढ़ के रूप में आता था वो पानी इस नहर में पड़ जाएगा, बाढ़ अब उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल को विनाशकारी नहीं होगी, सरयू नहर परियोजना पूरे हो जाने से बाढ़ लाभकारी होगी और इस बाढ़ का लाभ पूरा किसान को मिलेगा और इस बाढ़ से किसान अब बर्बाद नहीं होगा, सरयू नहर परियोजना है। तीसरी परियोजना हमारी बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना पूरी हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाना चाहते हैं, कोई समय मिल जाएगा तो वो आ जाएंगे, तब वो लोकार्पण करने की बात है। चौथी परियोजना है हमारी अर्जुन सहायक परियोजना जो बुंदेलखंड क्षेत्र को है, बाण सागर परियोजना विंध्याचल क्षेत्र मिर्जापुर इलाहाबाद और उधर के क्षेत्र को लाभदायक होगी, अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभदायक होगी। एक सवाल राजनीतिक है आपसे कि विगत दिनों अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी का दौरा उत्तर प्रदेश में हुआ और उन्होंने भी आपातकालीन पर बात की, आपातकालीन की चर्चा आजकल आम हो गई है, पूरे देश में चर्चा हो रही है इस पर आपातकालीन, क्या कहना चाहेंगे आप आपातकाल के बारे में? सच में प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है,
और जो दल जनता की आवाज को दबाने का काम करते हैं वो दल समाप्त हो जाते हैं। आप कांग्रेस को देख रहे हो, कांग्रेस ने जनता की आवाज दबाने का काम किया था, कांग्रेस ने जनता की आवाज इमरजेंसी लगाकर दबाने का काम किया, कांग्रेस ने उन नेताओं को जेल में डालने का काम किया जो जनता की आवाज उठा रहे थे। और ये इस तरीके से ये काला अध्याय प्रजातंत्र को कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी काफी मेहनत से काम कर रहे हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका, आपका भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफी बड़ा लंबा अनुभव है, लेकिन कभी आपको उनके साथ इससे पहले काम करने का मौका नहीं मिला, अब मिल रहा है, तो कैसा अनुभव आपका? देखिए, राजनीति में तो हमने उनके साथ काम नहीं किया जी। लेकिन हम उनकी राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उस पीठ से मैं इससे पहले से भी जुड़ा रहा हूँ। उनके गुरुजी थे तभी मैं उन्हें प्रणाम करने जाता था और अब भी काफ़ी। देखिए, आज अवस्थी जी बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि देश का और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य, देश का सौभाग्य गरीब माँ की कुख से पैदा इंसान नमानी नरेंद्र मोदी जी देश की कुर्सी पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, जो गरीबों का दर्द बहुत बेहतर जानते हैं, वो कर्मयोगी है। और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य, जहाँ से राजाओं का राज्य समाप्त होता है वहाँ से योगी राज्य प्रारंभ होता है, आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी है। ये जनता का जिसे कुछ करना ही नहीं, जनता के लिए चिंता करना, 24 मैं गोरखपुर जिले का प्रभारी भी हूँ, उन्हें मुझे अपने जिले का प्रभार भी सौंप रखा है। सीधे सीधे बात करते हैं कि धर्मपाल सिंह, जनता को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा, महाराज जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को संभाल लीजिए, गोरखपुर को मैं अपने आप ठीक कर लूँगा, गोरखपुर में कोई कठिनाई नहीं आएगी, गोरखपुर बहुत ठीक चल रहा है। तो ये माना जाए उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है? जी, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश उत्तम प्रदेश और उत्कृष्ट प्रदेश बनने जा रहा है। आज सारी कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक हो गई, कहीं कोई विरोधी अब ये मुंह नहीं खोलना है कि कहाँ क्या हो रहा है। दो चीज़ें होती हैं किसी प्रदेश की सरकार के लिए, नंबर एक सुरक्षा, नंबर दो विकास। इन्हीं दो मानबिंदुओं पर सरकार की कसौटी का। एक आखिरी सवाल, जीवन का एक बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हमने जीवन में, जीवन में ऐसा कोई लम्हा जिसने आपको बड़ा आनंदित किया हो और एक कोई ऐसा लम्हा जिसने आपको बड़ा दुखी किया? ऐसा है, जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई, मैं माँ की मृत्यु से बहुत मतलब व्यथित हुआ, क्योंकि पिताजी का हार्ट अटैक हुआ, इसके बाद माँ ने ही मुझे संभालने का काम किया था। और माँ, मैं पिछली सरकार में मंत्री था तो बेंत से मुझे मारने का भी काम करती थी, कुछ गलती हो जाती थी तो माँ जब नहीं रही, माँ का साथ रहा तो मैं बहुत विशुद्ध, बहुत परेशान हुआ। और आपने जो खुशी का की बात कही, सच में जब आम नागरिक मुझे कहता है आके, गरीब आदमी, कि साहब आपने जो फोन कर दिया मेरा काम हो गया, तो उस समय मुझे बेहद खुशी होती है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल जी। धर्मपाल जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनना जा रहा है, आगे बाढ़ की जो समस्या आने वाली है उसके लिए सरकार ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार मुक्त विभाग होगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सारा।